अभी जो है मैं आया हूँ जो है कुम की जो है मेन मार्केट बाज़ार, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये जो है कुम के जो है मेन मार्केट है, बिल्कुल ही जो है हरम के नज़दीक है। आप जो है यहाँ से आसानी से आ सकते हैं और आपको यहाँ पर जो है हर चीज़ जो है वो मिलेगी। आप जो भी ख़रीदना चाहें खरीद सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। एक बहुत सी बड़ी मार्केट है, आपको नज़र आती होगी। ये सारी जो है यहाँ की जो है मार्केट है। आप देख सकते हैं ये सारी जो है यहाँ पे दुकानें हैं, हर किस्म की दुकान आपको मिलेगी। आपको मैं अभी मार्केट में दुकानें पे लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है। तो सबसे पहले तो जो है मैं आपको यहाँ कई मार्केट के सामने जो है हरम कई वो सहन दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सहन है। और ये सामने इसको सजाया गया है क्योंकि आज जो है बीबी जो है फातिमा मासूमा का विलादत का दिन है, तो इसको सजाया गया है खूबसूरत करने के लिए। और अभी ये पूरा ये जो है सहन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जो है आपको मैं मार्केट की भी सैर कराऊँगा, बाज़ार भी दिखाऊँगा, दुकानें भी दिखाऊँगा। ये हरम की उस साइड का सहन है जहाँ पर एक मार्केट है और पूरी दुकानें हैं। और हरम के सामने इस सहन में मुजस्मे रखे गए हैं और ये मुजस्मे हर वक्त बीबी सायण को सलामी पेश किया करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो हाथ हैं वो सीने पे हैं और सर जो हैं वो झुके हुए हैं। लोग जो है इनके साथ अपनी जो है फोटो जो है वो खिंचवा रहे हैं। ये खा के शफा वगैरह पड़ी हैं, मसले पड़े हैं। ये यहाँ पर तस्बीह पड़ी है बहुत से अक्साम की और अंगूठियाँ पड़ी हैं। यहाँ पर आपको अंगूठियों के बहुत से शॉप मिलेंगे जहाँ से आप
पत्थर जो है वो ख़रीद सकते हैं और ओरिजिनल पत्थर आपको यहाँ से मिलेंगे। ये जी है यहाँ की सौगात, जो जहाँ पर जो यहाँ लोग आते हैं तो वो ख़रीद करके अपने शहर जाते हैं लोगों को देने के लिए। ये खिलौनों की दुकानें हैं। ये वाचिस की शॉप है। Thank you.
ये जी यहाँ का बड़ा शॉपिंग मॉल है। المحلات موجود الان 150 160 انا بكره 110 يحسب ابو عادي يلا يلا تعال بعد تطبون جوار النساء محتاج بالعافيه عيني تفضل فانيلات جواريب لبسان بناتي مانتو السلام عليكم I love you PMC بفهم چای ویلکام پاکستان پیپل یور لایک یو ثانک یو ثانک یو نو کرم به ایرانی نو کرم یو من وری وری گود مرد خوب بیگ لایک ثانک یو ثانک یو ثانک یو ثانک یو ثانک یو پاکستان بیوتیفول قدرتمند I love you Pakistan also Iran is very beautiful I want to come ما را اذیت میکنه You are here a resident Iran yes. you are Irani خب شورت جوراب شلوار این اونام درست کنم Thank you thank you thank you very much I have it.
سر آپ تشریف سر آپ एक बहुत ही जो है बड़ी और बिग मार्केट है यहाँ पर जो है सुपर मॉल भी हैं वो भी हमने आपको दिखाए और ये जो है शॉप्स है यहाँ पर मुझे जो है एक मजसमा नज़र आ रहा है दूसरा जो चेयर पे बैठा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक और मुजस्मा नज़र आया जो ये चेयर पे बैठा हुआ है तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाता चलूँ। तो ये मुजस्मा यहाँ मार्केट में मुझे नज़र आया जो ये चेयर पे बैठा हुआ है और उसके सामने जो है टेबल पड़ी है और उस टेबल पर कुछ चीज़ें पड़ी हैं। और अभी जो है हम चलते हैं मार्केट की तरफ आपको दिखाते हैं पूरी मार्केट। अभी जो है आपने जो है आधी भी नहीं देखी बहुत सारी अभी ये दुकानें हैं यहाँ। सर्दी के हिसाब से यहाँ जो जैकेट्स पड़ी हुई हैं ये परफ्यूम की दुकान है अत्तर वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो है बच्चे के अबाये हैं ये जो है अबाय की मार्केट है यहाँ पर आपको खूबसूरत और बेहतरीन जो है अबाय जिसे हम बुर्के भी कहते हैं चादरें भी कहते हैं वो आपको जो है यहाँ मिलेंगी। हम लोग
ये है जी चादरों की मार्केट। अबायों की मार्केट थी ये। अगर आपका यहाँ पर आना पड़े और आपको अगर चादरें वगैरह परचेज करना पड़े तो ये इस चीज़ की मार्केट है। खिलौनों की शॉप है ये। तो जी ये थी जो है हरम के नज़दीक जो शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स दुकानें जो हमने आपको विज़िट करवाई। ये एक ही बहुत ही बड़ी और बेहतरीन और अच्छी मार्केट थी। आपने देखा होगा हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। सब कुछ था यहाँ पर यहाँ के हिसाब से और जो सर्दियों के हिसाब से भी जर्सियाँ जैकेट्स वगैरह भी बहुत कुछ थी यहाँ पर। और ये थी हरम के नज़दीक ही ये कुंभ की मार्केट जो पूरी मार्केट थी जो मैंने कोशिश की कि आपको जो है अच्छे तरीके से हर चीज़ दिखाऊं। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से मार्केट की देखी होगी और मार्केट को और इस बाज़ार को देखकर एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना मुझे भी। अल्लाह हाफिज़।